दोनों साइड में पहाड़ है और बीच में रेलवे ट्रैक। सो गाइस देखो ये ऐसा व्यू है यहाँ का। और अभी हम लोग गया, देखो अभी क्या ही बोल सकते हैं यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे भाई लोग। तो आज आप लोगों को लेके जाने वाले हैं हम लोग हेवन प्लेस में। तो हमारे लिए तो वही हेवन है भाई साहब। तो ऐसा भी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं ऑलमोस्ट हम लोग 28 किलोमीटर होगा। तो सबसे पहले बाइक पे फ्यूल अप कराते हैं। तो अब चलो राइड कंटिन्यू करते हैं भाई, और साथ में पिलियन है। अभी के टाइम हो रहे हैं ऑलमोस्ट 9। सुबह सुबह जाने का प्लान था बट अरे छोटू क्या ही बोलना भाई। गाइस सुबह सुबह जाने का प्लान था बट सुबह पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा वेदर ना फोग सा हो रखा था, और सुबह सुबह जाने में फिर पूरा भींग जाते हम फोग से। देखो अभी क्या ही बोल सकते हैं यार। इंडिकेटर दिया हुआ है बट कम से कम देखना भी पड़ता है भाई, इंडिकेटर बस देने से नहीं हो जाता है। अचानक से अगर आप इंडिकेटर देकर टर्न कर दोगे बिना देखे तो पीछे वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। ओ भाई क्या ही प्यारा लग रहा है भाई साहब, पूरा ग्रीनरी। तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो वो बहुत छोटा सा ब्लॉग बना था क्योंकि ब्लॉग पूरा शूट किया था बट पता नहीं गोप्रो कब ऑफ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और बैटरी पूरा डाउन हो गया था भाई, और मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है तो फिर से मुझे चार्ज करना पड़ा। और जब तक हम चार्ज किए तब तक भाई हम आधा एरिया कवर कर चुके थे। और ये तो अच्छा है कि हमारे बाइक में चार्जर का फैसिलिटी दिया हुआ है, तो जब भी गोप्रो डाउन होता है तो हम अपने चार्जर में कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं। तो वैसे हमने सोचा था कि हम सोलो आए बट फिर सोचे कि काफ़ी दूर जाना है और थोड़ा सा इधर जंगल का एरिया भी है, तो फिर हम पिलियन भी साथ में लेके चल रहे हैं। वैसे भी गए हम रूम पे पड़े पड़े बोर सा लग रहा था तो सोचे कि राइड ही कर लेते हैं भाई सुबह सुबह। ऐसे हरे भरे खेतों देख के मज़ा ही आ जाता है। सो गाइस इस बाइक में पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, जो अगर हम साथ में पिलियन का भी रहते हैं ना तो पीछे का जो रियर सस्पेंशन है ना पूरा उछाल देने लगती है भाई साहब, पूरा अनबैलेंस में लगता है बाइक, मुझे ऐसा लगता है जब हम राइड करते हैं। तो वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि इसका रियर सस्पेंशन चेंज करने का, तो GT का लगाने का सोचे थे, GT 650 का, पर पता है वो सोकर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो पता नहीं फिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे हम सर्विस सेंटर वाले लोग से बात किए थे तो उन्होंने बोला कि इसमें तो सेट नहीं हो पाएगा, लोकल जो गैरेज रहता है वहाँ से हम बात किए तो वो लोग तो बोला कि हो जाएगा। अब देखो क्या होता है भाई साहब, कैसे फिट करना पड़ेगा। आने वाले कुछ टाइम में गैस हम अपनी बाइक को फुल चेंज करने वाले हैं। ऐसा जो अचानक से उछाल रहता है ना वहाँ पर पूरा पीछे वाला पिलियन ऊपर आ जाता है भाई साहब, पता चला कि किसी दिन मेरा पिलियन है ना उड़ के मेरे आगे आ गया। अब घाटी स्टार्ट होने वाला है गाइस यहाँ से। ओ बड़े बड़े व्हीकल्स इधर भी चलते हैं भाई। तो गाइस हम लोग आए हैं ब्रिज नंबर 33 और यहाँ से जाना पड़ता है। पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है भाई, अभी तक कोई नहीं आया है लग रहा है, किसी का बाइक का निशान नहीं दिख रहा है। ओ शिट, गया मेरा जूता का हालत हो गया ख़राब। तो फाइनली बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज नंबर 33, और देखो यहां से क्या ही ख़तरनाक व्यू लग रहा है। चलो आगे बाइक खड़ी करते हैं, और मेरे जूते का क्या हालत हुआ आप ये दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया यार। तो ये रहा देखो ब्रिज नंबर 33, और एक ब्रिज और है 27, तो देखते हैं अगर उधर भी घुस पाते हैं। तो वो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है रेलवे ब्रिज, तो हो पाएगा तो उधर भी आप लोग को दिखाएंगे। सो गाइस देखो ये ऐसा व्यू है यहाँ का, और अभी हम लोग जाने वाले आगे, और आगे से आप लोगों को दिखाएंगे कैसा लगता है। और बाइक अभी हम लोग यहाँ पर खड़े किए थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, रील्स वगैरह शूट किए, और अभी हम लोग जाने वाले हैं नीचे
देखते हैं उधर कैसा रोड भी है। तो वो बाइक को हम लोग आगे लेने का सोच रहे हैं। और नीचे से देखो ये ऐसा नज़र आता है, ओ भाई साहब पूरा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग आज। चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, हमको लगा नहीं था कि इधर रोड भी होगा। लास्ट यहीं तक बाइक आ सकता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या ही खतरनाक लग रहा है, दोनों साइड में पहाड़ है और बीच में रेलवे ट्रैक। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, और ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। चल बाइक को फुल ऑफ रोड किए हैं भाई साहब आज। तो अभी हम लोग फिलहाल थे वहाँ पे, और उधर से हम लोग इस साइड पे आ चुके हैं भाई पूरा ऑफ रोड करते हुए। मुझे लगा नहीं था कि बाइक अपनी इधर आ पाएगी, बट थोड़ा सा रोड सही था तो हम लोग आ चुके हैं भाई। सो भाई सभी हम लोग ब्रिज से निकल चुके हैं, हालत ख़राब हो गया भाई जो रेस लग गया हम लोग का, रेस लग गया। सो भाई सभी हम लोग आ चुके हैं रोड पे, और वहाँ पे काफ़ी टाइम हम लोग थे और काफ़ी फन किया, मज़ा आया। और माउंटेन चढ़ते हुए भाई हालत ख़राब हो गया, हम लोग पूरा पसीना से भींग चुके हैं। मन तो था गया ब्रिज नंबर 27 भी जाने का, वो सबसे झारखंड का सेकेंड सबसे ऊंचा ब्रिज है, आप लोगों को हमने बताया था पहले भी। तो वो जस्ट यहाँ पे आगे यहाँ से लेफ्ट घुसना पड़ता है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐसे लेफ्ट अंदर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर जैसा, और यहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है बाइक का, और आप जा सकते हो अंदर। तो अंदर 1 किलोमीटर जाना है, उसके बाद आपको ब्रिज नंबर 27 मिलेगा। ऐसे हरे भरे एरिया में भाई आपको पूरा फ्रेश एयर मिलता है। और गाइस हमारे एरिया में वैसा हाईवे वाला रोड नहीं है, 4 लाइन, इधर आपको 2 लाइन रोड मिलेगा वो ऐसा वाला। और अगर आप ऐसे गांव वाला एरिया में आ जाते हो ना, तो रिएक्शन तगड़े वाले मिलते हैं। चलो थोड़ी सी बाइक को भगाते हैं। चेक कर लेते हैं गाइस, पता चला गोप्रो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड तो कर रहा है। और उस दिन हुआ क्या था मेरे साथ, कुछ स्लिप बस रिकॉर्ड हुआ था 80 सेकेंड का, कुछ 20 सेकेंड का, ऐसा ऐसा क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, इसीलिए ब्लॉग लंबा नहीं हो पाया। हम काफ़ी दूर तक ब्लॉग करते आए थे, आप लोगों को दिखाते भी आ रहे थे गाइस कि वहाँ पे कैसा व्यू वगैरह है, सारा कुछ हम आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे थे। बट मुझे आइडिया ही नहीं लग पाया भाई कि कब अपना गोप्रो बंद हो चुका है। और हमेशा मैं अपना गोप्रो को मिरर पे चेक करते रहता हूँ रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है, पता नहीं यार उस दिन ध्यान ही नहीं गया। चलो यहाँ पे रोड पूरा न्यू बना हुआ है भाई, पूरा एक लेयर ही पूरा दिया हुआ है। अच्छा है यहाँ पे बीच बीच में छोड़ के नहीं दिया हुआ है। जब बना ही रहे हो भाई तो अच्छे से बनाओ, देखो इधर सही बना हुआ है। और पता नहीं वो भी कितना आगे तक बना हुआ है। तो गैस जो हंटर वाले लोग हैं ना, जिनके पास भी हंटर है, वो लोग भी भाई बाइक को मुड़ के देखता है कि क्या क्या मोड करा रखा है। आगे से बाइक का लुक भाई साहब क्या ही क्रेजी लगता है, इसीलिए पब्लिक रिएक्शन ज़्यादा मिलता है भाई आगे से। जो भी आगे से आते हैं ना, वो लोग सारे को देख के ही पार होते हैं। वाह मेरे चचा, बिना देख के क्रॉस, तो भाई साहब कभी कभी तो लगता हो कि मैं ठोक ही दूँ, मजाक था गाइस, किसी को क्यों जानबूझ के ठोकना। तो भाई साहब काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही है भाई, तो सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह निकले हुए थे, अभी के बजने वाले हैं भाई 10:50 हो गया।
अरे कैसे चचा, सामने से सटा के था और सामने सटा के पार कर रहा। अभी हमको पता है राइट लेगा, देखो बस देखा समझ गए कि लेने वाला है राइट। सो गाइस आज का ब्लॉग तो गाइस, अरे भाई साहब, सो गाइस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं भाई लोग, तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।